हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जो कि क्लास टेंथ का जो मैथमेटिक्स है उसका जो है फर्स्ट चैप्टर है। लास्ट क्लास में जो हमने बात करी थी वो करी थी यूक्लिड डिवीजन लेमा की, जो होता था, जो हमारा क्या था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर की जो वैल्यू जाती थी वो जाती थी लेस देन बी। ये हमारा क्या था, ये लेमा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका यूज करते हुए हम जो है बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। तो इसका काम क्या आता है, इसका जो है एससीएफ निकालने के लिए हम लोग जो है इसका यूज करते हैं। तो इसको हम करेंगे कैसे, ये हमें समझना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो है एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो है क्या करेंगे हम लोग, इसमें पहले मैं फॉर एग्जाम्पल दो नंबर लेता हूँ, 8 और 20, ठीक है। तो इसका एस सी एफ कितना होगा, ये हमें निकालना होगा। एस सी एफ निकालने के लिए हम 8 को फैक्टर कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 20 का फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 2 गुणा 2 इज इक्वल टू 4। 4 जो आया इसका क्या आया, एस सी एफ आ गया। तो ये तो हमने जो है थ्रू फैक्टर से निकाला। अब बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा का यूज करते हुए किस तरह से जो है हम लोग एस सी एफ निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास थे दो नंबर थे, कौन सा, ये जो नंबर है ए, ए क्या है, ग्रेटर देन होता है किससे, बी से। तो मेरे पास दो नंबर थे, हमें जो है फाइंड एस सी एफ 8 एंड 20 का। तो सबसे बड़ा नंबर जो हम लिखाएंगे यहाँ पर जो है ए इज इक्वल टू 20 है और बी इज इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पर जो है 20, ए की वैल्यू कितनी है 20 8, ठीक है, गुणा 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 प्लस का 4। ये जो है इस तरह का जो हमने रिलेशन बना दिया, आर की वैल्यू जो है किससे, बी से जो है छोटी है। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो होगा एस सी एफ ऑफ 20 एंड 8 सेम इज एस सी एफ ऑफ 8 एंड इसका 4 का, कैसे, 8 जो बड़ा होगा इससे, तो हम जो है फर्दर वही प्रोसेस करेंगे हम लोग, 8 4 गुणा कितना हो गया 2 प्लस 0। तब 0 जब आ जाए यहाँ पर रिमाइंडर, तो हम क्या कहेंगे, 4 जो है क्या है, एस सी एफ है किसका, 8 एंड 4 4 का। ऐसे यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर जो है एस सी एफ है किसका, 20 और 8 का। जब यहाँ पर 4 और 8 का एस सी एफ है, वही कहता है ये एस सी एफ ऑफ 20 एंड 8 सेम इज एस सी एफ ऑफ 8 एंड 4। तो हम क्या कहेंगे, एस सी एफ ऑफ 20 एंड क्या पूछा था, 8 का इज कितना हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो था एक हमने पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया, अब जो है हम इसको क्या जनरलाइज फॉर्म में इसको करेंगे। देखिए यहां पूछा जा रहा है फाइंड एस सी एफ ऑफ ए एंड बी का, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो आर की वैल्यू जो जाएगी क्या जाएगी, 0 से बड़ी या इक्वल और बी से छोटी। यहाँ पर जो है ये हमने इस तरह से करेंगे, फिर दोबारा से क्या करना पड़ेगा, नाउ हम क्या करेंगे, फाइंड एस सी एफ ऑफ किसका, बी एंड आर का, जो हमने करा था लास्ट क्वेश्चन में, बी एंड आर का जो है एस सी एफ हम लोग निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल क्या है, फाइंड एस सी एफ ऑफ 240 एंड 228, ठीक है। इन दोनों का जो है हमें एस सी एफ निकालना है बाय इससे
लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसको हम लोग बोलते हैं। तो इन दोनों में जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 240। यहाँ पर जो है ए कितना हो जाएगा 240 और बी कितना हो जाएगा 228। तो हम क्या करेंगे 228 ठीक है मल्टीप्लाई, देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई इसमें दो की करूँगा तो कितना हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो दो की तो हम कर नहीं सकते, तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करेंगे वन की, ठीक है जब मल्टीप्लाई करेंगे वन की प्लस में मल्टीप्लाई करी वन की इतना ही आ गया। तो इसको जो है बराबर करने के लिए हमारा जो रिमाइंडर आएगा, अगर मैं इसमें भाग लगाऊंगा किस में, 228 का क्या 240 में भाग लगाऊंगा, एक बार जाएगा 228 बचेगा कितना, 10 में से 2 8 गए कितना 2 12 3 में से 2 गए 1 तो हमारे पास कितना बचा 12 बच गया। यहाँ जो है हमें पता नहीं चला SCF जो है क्या है, जब तक यहाँ पर 0 आएगा तब तक हम इसको इस तरह से ही करते रहेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या है 228 को उठाएंगे और 12 को उठाएंगे क्योंकि यहाँ पर निकाला था हमने। नाउ फाइंड द SCF ऑफ बी एंड आर का, बी क्या ये है आर क्या ये है, यहाँ पर बी क्या होगा 228 और आर जो होगा कितना 1212 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 228 इज इक्वल टू ठीक है कितना हो जाएगा 12 ठीक है मल्टीप्लाई, तो अब जो है हम लोग इसमें कितने की मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास इसके जो है कम मिले, इससे ज़्यादा नहीं कम मिले या फिर इसके बराबर मिल जाए। देखिए यहाँ पर जो है अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 20 की ठीक है 20 की मल्टीप्लाई करता हूँ 12 गुणा 2 12 गुणी 24 240 ज़्यादा हो गया ठीक है 20 करने के बाद, तो मैं क्या करूँगा मैं जो है 19 भी करके देखूँगा ठीक। अगर मैं 12 में 19 की गुणा करूँगा ठीक है कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1 9 एकम 9 9 और 1 10 ठीक है प्लस का 2 एकम 2 1 एकम 1 कितना आ गया 8 2 2। देखिए ये सेम चीज़ आ गई ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसमें 19 की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा प्लस में क्या बचेगा 0। देखिए जब 0 आ जाए फिर हमारा क्या होगा जो ये 12 है 0 आने के बाद जो हमारा B होगा ठीक है वो क्या होगा वो जो होगा SCF होगा, तो क्या होगा 12 is SCF ऑफ किसका 12 का एंड किसका 228 का ठीक है। जब 12 SCF है किसका 12 का और 228 का, तो क्या होगा 12 जो है SCF होगा किसका SCF ऑफ किसका 228 का एंड 240 का ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों का जो SCF है कितना है 12। इस तरह से जो है हमें यूज़ करते हैं हम जो बड़े बड़े संख्याएं होती हैं उसका यूज़ करते हैं हम इक्विलेट डिवीज़न एल्गोरिथम का ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था।